तरीके से प्रिपेयर्ड रहने की सबसे पहले व्हाट वी हैव डन इज़ वी हैव क्रिएटेड अ म्यूंसिपल लेवल कंट्रोल रूम जो एसएमसी के सेंट्रल ऑफिस में लोकेटेड uh, है uh, इसके नंबर्स भी हमने सबके साथ सर्कुलेट किए हैं दिस कंट्रोल रूम इज़ बींग लुकड आफ्टर बायर ज्वाइंट कमिश्नर वर्क इज द टोटल ओवरऑल इंचार्ज ऑफ आर स्नो क्लियरेंस इसके साथ साथ हमने शहर को तीन जोन्स में डिवाइड किया है और एवरी हर किसी जोन में वन एक्सन एंड वन ज्वाइंट कमिश्नर इज इंचार्ज ऑफ ईच ऑफ द जोन्स तो वहाँ पर भी हमने uh, जो है सभी जगहों पर कंट्रोल रूम्स भी जोनल कंट्रोल रूम्स भी तैयार किए हैं एज फार एज मशीनरी इज कंसर्न एक तो हमने रिसेंटली वी हैव एक्वाइर्ड सम्यू स्नो क्लियरेंस मशीन्स उनको हमने डिप्लॉय किया है हर किसी जोन uh,

दिस डी आइसिंग सॉल्ट जो हमारे पास जो यूज़ होता है दैट वी हैव कैप्टन ऑल दॉट्स कि जब अगर ज़रूरत पड़ती है अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है जिसमें कोहरा लगने की अंदेशा होता है उस समय वो जो है डी आइसिंग सॉल्ट भी हम यूज़ करेंगे आठ गाड़ियाँ हमने ब्राइन सोल्यूशन के लिए रखी हैं जिसमें टैंकर्स और स्प्रेयर्स रखे हैं तो ब्राइन भी का, काफ़ी जगहों पर यूरोप में भी यूज़ होता है जो है स्नो क्लियर के लिए स्पेशली अगर सब्जीरो टेम्परेचर होता है इफ़ दैट इज़ रिक्वायर्ड वी विल डिप्लॉय दोज ऑल्सो इसके साथ साथ जो हमारा इंटीरियर लेन्स हैं जहाँ गाड़ी का जाना मुश्किल होता है जहाँ जो ट्रैक्टर वगैरह से क्लियर नहीं हो पाता है उसके लिए हमारी जो मेन मैन पावर है लगभग तीन हज़ार के आसपास हमारे लोग जो है रेडी हैं उनको भी डिप्लॉय किया हुआ है किस गली में किस जगह में कौन जो है स्नो क्लियरेंस कौन कौन करेगा दैट हैज़ बिन डन उनको जो इक्विपमेंट की ज़रूरत थी शॉवल्स की ज़रूरत थी जो स्पेड्स की ज़रूरत थी जो दैट ऑल हैज़ बीन प्रोवाइड टू दैम तो दे आर ऑल्सो एडिक्वेटली इसके साथ साथ ड्रेनेज एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है कई जगहों पर वाटर लॉगिंग हो जाती है तो हमारे 85 डीवॉटरिंग स्टेशन से ऑल 85 डीवॉटरिंग स्टेशंस का ट्रायल रन हमने कल भी किया आज भी किया देयर ऑल फंक्शनिंग नॉर्मली तो उनको एक्टिवेट uh, किया हुआ है इसके साथ साथ हमारे लगभग एक के आसपास मोबाइल डिवाटरिंग यूनिट्स हैं उनको हम डिप्लॉय कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे रिक्वायरमेंट है अभी तक सुबह से जो है कल शाम को ही हमने डिप्लॉय करके रखे हैं लगभग 30-35 जगह जो हाईली वनरेबल रहते हैं उन जगहों पे ऑलरेडी हमने पंप वहाँ लगा के रखे हैं इसके साथ भी पम्प्स जो हैं वो भी हम बाकी जगहों पर भी जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर भी उनको रेगुलरली डिप्लॉय करेंगे इसके साथ साथ वी हैव कैप्ट तो फिफ्टीन सक्कर जेटिंग मशीन्स जो बड़े टैंकर हैं जो ज, पानी को जेट निकाल के कई काफी जगह ऐसे हमारे शहर में वहां अगर पंप लगा लेते हैं वह पानी का निकासी आउटफॉल की जगह नहीं होती है उन जगहों के लिए हमने पंद्रह जो है सक्कर जेटिंग मशीन्स भी डिप्लॉय करके रखी है उसमें से कुछ जो हमारे जैसे एम ए रोड है रेजिडेंसी रोड है कुछ पटमालू एरिया में है कुछ हमारे डाउन टाउन एरिया में है तो दो फिफ्टीन सक्कर जेटिंग मशीन्स है ऑल्सो भी डिप्लॉयड सो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसमें जिस जिस भी हद तक पॉसिबल हो इफिशंसी के साथ और बेहतर तरीके साथ के साथ हम लोग स्नो क्लियरेंस का काम अबकी पार करें